ये लखनऊ का नज़ारा है और ये हम गोमती नदी में हैं। हम इस नाव के सहारे इस पार से नदी के उस पार जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये लखनऊ में पीपे का पुल है, ये जो आप देख पा रहे हैं। इनफैक्ट ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पीपे का पुल है और बरसात के दिनों में इसको हटा दिया जाता है और उसी जगह पर नाव को रन किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों को यहाँ से वहाँ एक पार से दूसरे पार ले जाने के लिए। और हम लोग बिल्कुल बीच धारा में पहुँचे हुए हैं और ये देखिए ये नदी का नज़ारा है। बरसात के मौसम में चूँकि नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, उसी के कारण उस पीपे के पुल को हटा दिया जाता है, क्योंकि इस पीपे का पुल का जहाँ तक सवाल है वो बेसिकली पानी में तैरने लगता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। उसी स्टेबिलिटी के कम होने के कारण नाव का सहारा लिया जाता है और उसको एक साइड कर दिया जाता है। जैसे ही ये बरसात का वक्त गुजरेगा उस पीपे के पुल को दोबारा से लगा दिया जाएगा। और ये देखिए यहाँ से लगाया जाएगा और यहाँ ये देखिए ये जो रास्ता दिख रहा है आपको यहाँ पर आएगा। मैं आपको अगर जूम करके दिखा पाऊँ तो ये जो लोग बैठे हुए हैं एग्जैक्टली ये यहाँ पर ला करके उसको लगाया जाएगा। घैला एक गांव है, बहुत बड़ा सा गांव है, तो बेसिकली कई सारे गांवों को कनेक्ट करता है और लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि गांव से लखनऊ शहर आते हैं यहाँ पर। और ये मेहंदी घाट कहलाता है बेसिकली, ये गऊ घाट का उसके बाद बगल का एरिया है और फिर उसके बाद में हुसैनाबाद का एरिया है। और घंटाघर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए ये घंटाघर है, आप समझ सकते हैं ये घंटाघर कहाँ पर है। ये हुसैनाबाद में है, छोटा इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़े के पास में। ये देखिए हम लोग बिल्कुल साहिल पर पहुंच रहे हैं। अब इधर से लोग चढ़ेंगे, उधर के लोग उतर जाएंगे। हम लोग वहां से चले थे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। ये जूम करने पे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पास ही में है। दोस्तों आपको बता दें कि ये नाव वाले पर पर्सन 10 रुपये चार्ज करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। हम 21वीं सदी में जीवित हैं लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इस तरह के दृश्य देखने पड़ते हैं कि लोगों को अब भी लखनऊ जैसे शहर में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये दुखद है। देखिए हम लोग फिर से एक बार इस तरफ से हम लोग निकल चुके हैं, साहिल छोड़ चुकी है कश्ती और हम लोग एक बार फिर से मझधार में जाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों टूरिस्ट के तौर पर ये वाकई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि आप केवल 10 रुपये में आप नदी में जाकर के एंजॉय कर सकते हैं, नदी का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट ये जो लोग होते हैं ये टूरिस्ट नहीं होते हैं बल्कि ज़रूरतमंद होते हैं, मजबूरी में इन्हें एक पार से दूसरे पार जाना होता है, तो ये तकलीफ दे बात है। दोस्तों इसके बाद हम आपको वो पीपे के पुल पर चढ़ करके वहाँ जा करके असली दृश्य दिखाएंगे इसके आगे, तो आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि वो आपको देखना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया वो पीपे का पुल कितना ज़्यादा मजबूत कैसे है। यहाँ से ये देखिए उस छोर पर जाना और खूब लंबा डिस्टेंस है। तो दोस्तों हम आपको पीपा के पुल के ताल्लुक से बता रहे थे, मैं आपको यहाँ से वहाँ तक पूरा दिखा देता हूँ, टूर करा देता हूँ इसके ऊपर चल करके कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये जो लकड़ी है ना वाकई में बहुत मज़बूत होगी, बताइए कितनी मज़बूत होगी कि परसों की लकड़ी बारिश में धूप में ऐसा ही रहती है, चलती रहती है चलती रहती है, टूटती नहीं है। इस पर केवल लोग ही नहीं चलते हैं, 2 व्हीलर्स के साथ साथ 4 व्हीलर्स भी इस पर चलते हैं। हम पहली मरतबा आए तो हमको तो डर लग रहा था कि कहीं गिरे मरे ना, लेकिन देखें तो लोग धड़ल्ले से आ रहे हैं जा रहे हैं बगैर किसी रोकथाम के। लगा कि हाँ इस पे ऊपर से आया जाया जा सकता है। ये देखिए भाई साहब आराम भी फरमा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हम अंत अंत ये इस छोर पर आ गए हैं और ये इसका अंत होता है, मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए इसको अल्टीमेटली लगा दिया जाता है, उसके साथ जोड़ दिया जाता है और फिर ये बरसात के दिनों में इसको खोल दिया जाता है। देखिए यहाँ भी नाय वाय का सिस्टम है, वाह कितना शानदार है। मैं उस छोर से इस छोर पर आ गया हूँ, कितना लंबा डिस्टेंस है। देखिए कुछ इस तरह का मामला है, इसमें सब कुछ इस तरह का पीपे का पुल है, इसके अंदर है नहीं, संभल करके वरना इसके अंदर पैर चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
ये देखिए, ये देखिए देखिए, ये जो पीपे का पुल है अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये देखिए जो नाय जा रही है, अभी हम उसी नाय पर थे। ये देखिए नाय जा रही है, आप देख रहे हैं, और क्लोज करके मैं दिखा पाऊँ तो ये देखिए, और ये नाय जाएगी, ये यहाँ तक आकर के लगेगी, ये देखिए यहाँ जा कर के लगेगी। मैं आपको क्लोज करके वो सीन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एग्जैक्टली यहाँ जा कर के नाय लगती है, और ये जो है ये पीपे का पुल, ये यहीं जा कर के इसको बांधा भी जाता है। जब पानी कम रहता है तो केवल यहाँ मछली मारने वाले लोग ही रहते हैं, और लेकिन जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है, जलस्तर बढ़ता है, तो आप देखिए लोग एक इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैं अगर आप दिखा पाऊँ तो ये देखिए किस तरीके से लोग इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वंडरफुल। दोस्तों ये पीपे वाला पुल है, और ये देखिए जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, इनफैक्ट ये रास्ता है, और अब ये देखिए यहाँ से लोग आ रहे हैं। इसमें डर रहे हैं, इसमें घुस गए। ए हिमांशु रुक जाओ, मेरे को कौन जाने दो। ये रास्ता है, और यहीं से पीपे वाला पुल लगता था, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ जा कर के उसका लास्ट डेस्टिनेशन था। ये देखिए यहाँ उसका लास्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन अब ये एग्जैक्टली यहाँ पर पहुँच गया है, इस तरीके से लगा दिया गया है, और नदी में आवागमन के लिए नाय का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए नाय यहाँ से, अब वो वहीं से नाय लगती है एग्जैक्टली वहीं जगह, उसी जगह से, और ये नाय यहाँ से होते हुए लोगों को यहाँ ला करके छोड़ देती है। ये इस लोकेशन पर नाय ला करके छोड़ देती है। तो दोस्तों क्या आपने इस जगह को विज़िट किया है? ये बेसिकली मैंने बताया कि लखनऊ के पास ही है, ये गौ घाट का इलाका है। इस जगह को अगर आपने नहीं विज़िट किया है तो एक बार ज़रूर आइए, इंश्योर करिए कि यहाँ आकर के मज़ा ही आएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि हम इसी तरह के इस चैनल पर व्लॉग से संबंधित कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वीडियोज़ डालते रहते हैं।